एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ब्रॉन्सर एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स को खत्म करते हैं, राइट। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ एसिड बेस रिएक्शंस दिए हैं, फटाफट से उसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को पहचान लेते हैं, कौन सा ब्रॉन्सर एसिड है, कौन सा ब्रॉन्सर बेस है। मैंने टेबल ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो जैसे ये जो बेसिक इक्वेशन लिखा है, एसिड वन प्लस बेस टू गिव्स एसिड टू प्लस बेस वन, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहीं पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स को मार्क कर दें, तो यहां पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या हो जाएंगे, बेस टू एंड एसिड टू, एसिड वन एंड व्हाट, बेस वन, ठीक है ना। दिस बिकम व्हाट, दिस बिकम द कॉन्जुकेट एसिड बेस पेयर्स, राइट। तो अभी फटाफट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे H2O प्लस अमोनिया गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे एसिड क्या है, H2O है। H2O ने अपना प्रोटॉन दिया अमोनिया को, अमोनिया प्रोटॉन लेके क्या बनाया, NH4 प्लस, एंड वाटर क्या बना, OH माइनस, समझेगा। तो एसिड क्या है, H2O, उसको कॉन्जुकेट बेस क्या है, OH माइनस। बेस क्या है, अमोनिया, उसको कॉन्जुकेट एसिड क्या है, NH4 प्लस, ठीक है। HCN प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस प्लस CN माइनस। तो HCN से CN माइनस बन गया, मतलब HCN ने क्या किया, प्रोटॉन लूज किया है। और वैसे मैं पता है HCN इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, मैंने वो पूरा लिस्ट पढ़ा दिया है, और हो सके तो कॉपी में वो वाला लिस्ट खोलकर बैठो इस रिएक्शन को, इन इस वाले पार्ट को करने से पहले जो मैंने कल पूरा लिस्ट पढ़ाया है, इतने दिन से मैं वो जो लिस्ट पढ़ा रहा हूँ उस लिस्ट को खोलकर बैठो, समझे क्या। तो HCN इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। तो HCN क्या कर रहा है, HCN यहाँ पे अपना प्रोटॉन दे रहा है किसको, वाटर को। वाटर प्रोटॉन लेके क्या बना रहा है, H3O प्लस, और HCN क्या बना रहा है, CN माइनस। तो HCN क्या हो गया, एसिड वन, CN माइनस हो गया, बेस वन। वाटर क्या हो गया, बेस टू। H3O प्लस क्या हो गया, एसिड टू। अमोनिया प्लस अमोनिया, ये मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, दिस इज व्हाट, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया। H2O प्लस H2O, ये पढ़ाया हुआ है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ H2O। फिर क्या है, HCl प्लस अमोनिया। तो HCl हम जानते हैं, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने लिस्ट पढ़ाई है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिस्ट को मैंने क्या क्या पढ़ाया, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने पढ़ाया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर HClO4, H2SO4, HBr, HCl एंड HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड अमोनिया एक्चुअली क्या होता है, बेस है। तो ये भी क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो HCl यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा किसको, अमोनिया को। तो HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, HCl क्या बन गया, एसिड वन, और HCl प्रोटॉन देने के बाद क्या बचा, CL माइनस। तो CL माइनस क्या हो गया, बेस वन। अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, तो अमोनिया यहाँ पे बिहेव कर रहा है कैसा, अमोनिया इज बिहेविंग एज अ कॉन्जुकेट बेस टू, ठीक है। और क्या बनाया बदले में, NH4 प्लस, विच इज वॉट, कॉन्जुकेट एसिड टू, समझे क्या। फिर उसी तरह HF प्लस एसिटिक एसिड गिव्स CH3COOH2 प्लस प्लस F माइनस। तो इसको देखे क्या लग रहा है, एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, HF और एसिटिक एसिड में कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल कर आता है, यहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये निकल कर आता है कि जो मैंने बताया था, मैंने याद करो जब मैंने ब्रॉन्सेट एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट किया था, तो मैंने एक पॉइंट बताया था, मैंने एक पॉइंट ये बताया था कि एसिडिक बिहेवियर जो होता है, कोई भी सब्सटेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट एसिड, कोई भी सब्सटेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट बेस, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि साथ में दूसरा सब्सटेंस क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग CH3COOH को एज एसिड देख रहे थे, और बेसिकली एज एसिड कब देख रहे थे, व्हेन CH3COOH वाज प्रेजेंट अलोंग विद वाटर, बिकॉज CH3COOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर CH3COOH क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, ठीक है ना, राइट। तो जैसा अभी तक जो हमने देखा था CH3COOH को एज एसिड देखा था हमने, CH3COOH, ठीक है, प्लस वाटर। तो यहां पे क्या होगा, ये क्या आएगा, ये आएगा H3O प्लस प्लस CH3CO माइनस। दिस वाज एसिड वन एंड दिस वाज बेस वन, दिस इज बेस टू एंड दिस इज एसिड टू, ठीक है। तो जनरली हमने इसको जो नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, मगर मैंने ऑलरेडी बताया कि एसिड एंड बेसिक बिहेवियर जो होता है वो दैट इज कम्प्लीटली रिलेटिव इन नेचर, वो डिपेंड करता है कि साथ वाला सब्सटेंस क्या है। अभी यहाँ पे जैसे एसिटिक एसिड साथ वाटर है, तो वाटर और एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन डोनर एज कम्पेयर टू वाटर। तो एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, एसिटिक एसिड वाटर को अपना प्रोटॉन दे रहा है और वाटर अपना प्रोटॉन ले रहा है, इस वजह से एसिटिक एसिड इज बिहेविंग एज अ एसिड। बट अगला रिएक्शन जो हमने देखा वो इसमें क्या देखा, HF प्लस CH3COOH, HF प्लस CH3COOH। तो अब अगर हम लोग लिस्ट में जाते हैं, हमने जो कल लिस्ट पढ़ा है, हम उसमें ये देखेंगे
कि एच एफ जो है इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन सी एच थ्री सी ओ एच, ठीक है ना, राइट. एच एफ इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, सी एच थ्री सी ओ एच इज अ वीकर एसिड, राइट. तो यहां पे बेसिकली एच एफ हैज ग्रेटर प्रोटॉन डोनर टेंडेंसी दैन सी एच थ्री सी ओ एच. एच एफ का प्रोटॉन डोनेट करने का टेंडेंसी सी एच थ्री सी ओ एच से ज्यादा है. देयरफॉर जब एच एफ और सी एच थ्री सी ओ एच एक साथ आएंगे तो उस केस में क्या होगा, दिस विल एक्ट एज एच प्लस डोनर एंड दिस विल एक्ट एज एच प्लस रिसेप्टर. मतलब ऑटोप्रोटिक है ना ये, एम्फीप्रोटिक है ना ये सी एच थ्री सी ओ एच. मतलब ये बन जाएगा क्या, ब्रॉन्स्टेड एसिड वन, एंड सेकेंड वाले को बनना पड़ेगा क्या, ब्रॉन्स्टेड बेस टू. तो इस तरह से यहां पे जो रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन है, एच एफ प्लस क्या चीज, सी एच थ्री सी ओ एच. तो यहां पे क्या होगा, एच एफ क्या कर रहा है, एच एफ अपना प्रोटॉन दे रहा है किसको, एसिटिक एसिड को. तो अगर एच एफ अपना प्रोटॉन दे रहा है एसिटिक एसिड को, तो बेसिकली वॉट इज गोइंग टू हैपन ओवर हेयर, एच एफ अगर अपना प्रोटॉन दे रहा है एसिटिक एसिड, तो यहां पे क्या हो रहा है, सी एच थ्री सी ओ ओ एच टू प्लस प्लस एफ माइनस. समझे क्या, तो यहां पे दिस इज एक्टिंग एज एसिड वन एंड दिस इज एक्टिंग एज बेस टू. तो एसिड वन, एसिड वन ने प्रोटॉन दिया, क्या बनाया, कॉन्जुकेट बेस टू बनाया. समझे क्या, एंड बेस टू ने प्रोटॉन लिया, क्या बनाया, कॉन्जुकेट एसिड टू बनाया. बात समझे क्या, राइट. तो ये चीज है, समझे क्या, राइट. उसी तरह से एच सी ओ थ्री माइनस प्लस वाटर, ये मैं पढ़ा चुका हूं. एच एन ओ थ्री प्लस एन टू एच फोर, हाँ देखो एच एन ओ थ्री प्लस एन टू एच फोर. एच एन ओ थ्री क्या है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एन टू एच फोर क्या, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इज अ बेस, इट हैज गॉट अ बेसिक कैरेक्टर. समझे क्या, तो एच एन ओ थ्री क्या कर रहा है, देखो क्या बना, एच एन ओ थ्री से एन ओ थ्री माइनस बन गया ना, इसका मतलब क्या, एच एन ओ थ्री ने अपना प्रोटॉन दे दिया है ना, एच एन ओ थ्री से एन ओ थ्री माइनस बना, मतलब एच एन ओ थ्री ने अपना प्रोटॉन दे दिया है एन टू एच फोर को, और एन टू एच फोर ने प्रोटॉन लेकर क्या बनाया, एन टू एच फाइव प्लस वन बनाया है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एच एन ओ थ्री इज एक्टिंग एज एन एसिड विच इज गिविंग द प्रोटॉन टू एन टू एच फोर, इस वजह से एन टू एच फोर इज एक्टिंग एज अ बेस. बिकॉज एच एन ओ थ्री इज एक्टिंग एज एसिड, इस वजह से उसका जो कॉन्जुकेट बेस है वो क्या है, एन ओ थ्री माइनस है, एंड बिकॉज एन टू एच फोर इज एक्टिंग एज अ बेस, इस वजह से उसका कॉन्जुकेट एसिड क्या है, एन टू एच फाइव प्लस वन है. बात समझे क्या, एन टू एच फोर का, एन टू एच फोर का जो कॉन्जुकेट एसिड आया है वो क्या है, एन टू एच फाइव प्लस वन. गॉट इट, राइट. तो ये एन टू एच फोर और ये एन टू एच फाइव, ये बेस एन टू एच फोर बेस, एन टू एच फाइव प्लस वन क्या हो गया, कॉन्जुकेट एसिड हो गया. उसी तरह एच एन ओ थ्री क्या हो गया, एच एन ओ थ्री हो गया एसिड और एन ओ थ्री माइनस क्या हो गया, कॉन्जुकेट बेस हो गया. उसी तरह से फिर से देखो वही चीज, एच एफ प्लस एच एन ओ थ्री. तो वैसे भी देखा हमने एच एफ को भी एसिड ही मानते हैं, गेटिंग ना, और एच एन ओ थ्री को भी एसिड मानते हैं, बट एच एन ओ थ्री का पोजिशन क्या है, एच एन ओ थ्री के पोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो एच एन ओ थ्री का पोजिशन जो है ये है, और एच एफ का पोजिशन क्या है, एच एफ का पोजिशन जो है ऐसा है, एच एफ वॉटर एंड वॉट एच थ्री ओ प्लस. तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो बेसिकली पोजिशन वाइज क्या हो जाएगा, एच एन ओ थ्री एच थ्री ओ प्लस एच एफ एंड वॉटर. समझे क्या, ये ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, राइट. तो बेसिकली यहां पे क्या है, एच एन ओ थ्री इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एच एफ, इस वजह से एच एन ओ थ्री जो है इज अ स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन डोनर दैन वॉट एच एफ. इस वजह से जब एच एन ओ थ्री और एच एफ एक साथ आएंगे, एच एन ओ थ्री और एच एफ जब एक साथ आएंगे तो एच एन ओ थ्री क्या करेगा, अपना प्रोटॉन देगा, और यहां पे एच एफ क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा. तो यहां पे क्या बन जाएगा, एच एफ टू प्लस, सॉरी एच, एच एफ ने प्रोटॉन ले लिया ना, तो क्या बन गया, एच टू एफ प्लस, प्लस क्या,
NO3 माइनस, समझे क्या? करेक्ट राइट, ये रिएक्शन थोड़ा गलत दिया गया, दिस रिएक्शन इज गिवन एज रॉन्ग, गलत रिएक्शन दिया गया, समझे क्या? H2NO3 प्लस जैसा नहीं बनेगा राइट. फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट इज व्हाट? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? FeH2O होल 6, FeH2O होल 6, इसके बारे में बता दो. प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस प्लस FeH2O होल 5 OH. ये देखो जरा, ये इसके बारे में बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे अलग से मैं लिस्ट लिख रहा हूं. कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एसिड, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एसिड्स, ठीक है. तो इसके मैं दो एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल है Fe H2O होल 6 प्लस 2 प्लस वाटर, और यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज गिविंग व्हाट? दिस इज गिविंग H3O प्लस प्लस Fe H2O होल 5 OH. यहां पे एक्चुअली प्लस 3 है, प्लस 2 है कि प्लस 3, लेट मी जस्ट चेक. यहां पे जो है, हाँ प्लस 3 है, तो यहां पे है प्लस 3 और यहां पे आ गया प्लस 2. तो यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, इधर पे आउट ऑफ 6H2O विच आर एक्टिंग एज लाइगेंड्स, what happens over here, 5H2O they remain as it is, but out of 1H2O क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल जो है ब्रेक कर जाएगा किसमें, ये ब्रेक कर जाएगा किसमें, H प्लस प्लस OH माइनस, मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो 6H2O हैं, उन 6H2O में ये ऐसे 5H2O कैसे रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे, और जो छठा H2O एक H2O है वो कैसा रहेगा, वो टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में, एंड दिस H प्लस, ये जो H प्लस आया ये इसको मिल जाएगा, ठीक है. और अगर ये वाला H प्लस इसको मिल गया तो ये वाटर क्या बना लेगा, H3O प्लस बना लेगा, ठीक है. और बदले में क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, मतलब किस तरह से Fe H2O होल 5 और ये वाला H2O, समझे क्या, ये प्लस 3 है, मतलब यहां पे आयरन भी कितना प्लस 3 है. तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है, यहां पे क्या होगा, इस तरह से H एंड H, ठीक है. तो बेसिकली ये प्लस 3 है, ठीक है. तो बेसिकली यहां पे ये इट विल ब्रेक लाइक दिस, एंड ये क्या देगा, ये देगा H प्लस प्लस Fe H2O होल 5 एंड व्हाट, Fe प्लस 3 है ना, और यहां पे क्या बचा, OH माइनस 1 बचा ना, ठीक है. तो पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस 2 का चार्ज आ जाएगा ना, पूरे पे चार्ज आ जाएगा प्लस 2 का. तो इस वजह से अगर हम लोग ऐसे देखें इसको, Fe H2O होल 6 प्लस 3 प्लस वाटर, तो ये क्या दे रहा है, इसमें से जो बेटर है, लेट अस राइट इट डाउन लाइक दिस, वुड बी मच बेटर, लेट अस राइट इट डाउन लाइक दिस, Fe H2O होल 5 H2O प्लस 3, ये ऐसा, ठीक है. और बेसिकली क्या है, ये एक H2O जो है ये क्या कर रहा है, ये H प्लस दे रहा है, समझे क्या. इस वजह से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H3O प्लस प्लस Fe, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, H2O होल 5 OH माइनस, ये प्लस 3 है, समझे क्या. तो पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 2 हो गया राइट. सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एसिड, एग्जांपल 1 कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एसिड का
ये है पहला एग्जाम्पल, समझे क्या? राइट, उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल जो है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है इसी से मिलता जुलता है, एल एच टू ओ होल सिक्स प्लस थ्री प्लस वाटर, समझे क्या? तो फिर से इसमें भी उसी तरह से होगा, किस तरह से, एच थ्री ओ प्लस प्लस एल एच टू ओ होल फाइव एल प्लस थ्री ए, और यहां पे ओ एच माइनस वन आ गया, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया, प्लस टू का चार्ज हो गया। सिमिलरली इसी तरह से, मतलब यहां पे क्या है, एल एच टू ओ होल फाइव, समझे क्या, एंड एंड वॉट, ये ऐसा एक वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या होगा, प्लस क्या चीज, वाटर। तो बेसिकली ये ऐसा और ये इस तरह से, एक वाटर ने क्या किया, अपना एच प्लस डोनेट कर दिया, समझे क्या? तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एच थ्री ओ प्लस प्लस क्या, एल, एल विल रिमेन एज प्लस थ्री, एच टू ओ होल फाइव, एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच माइनस, समझे क्या? तो पूरे पे चार्ज कितना हो गया, प्लस टू का हो गया। सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक एसिड, बात समझे क्या? राइट, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। राइट, नाउ अब देखो जरा, अब उसके बाद क्या बता रहे हैं कि दस एवरी एसिड हैज अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज अ कॉन्जुगेट एसिड, सम कॉमनली अकरिंग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर लिस्टेड बिलो, ये सब देख लो, एच एन ओ थ्री कॉन्जुगेट बेस, एच सी एल सी एल माइनस, एच बी आर बी आर माइनस, एच टू ओ एच माइनस, एन एच फोर प्लस अमोनिया, बता दिया इसे मैंने, एसिटिक एसिड एसिटेट आयन एच सी एन सी एन माइनस, एन एच थ्री एन एच टू माइनस, एन एच टू माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉगर देन ओ एच माइनस, एच थ्री पी ओ टू का एच टू पी ओ टू माइनस वन, और एच टू पी ओ टू माइनस वन जो है इट इज नॉट एन एम्फीप्रोटिक आयन, कल ही सिखाया मैंने, एच टू पी ओ टू माइनस वन जो है एम्फीप्रोटिक आयन नहीं है। उसी तरह से H2SO4 का कॉन्जुकेट बेस HSO4- माइनस है, HSO4- माइनस का कॉन्जुकेट बेस SO4 है, इसका मतलब HSO4- माइनस का, HSO4- माइनस जो है दिस थियोरेटिकली इसको बेस बोला गया, बट एक्चुअली इसका जो KB है, मैंने ऑलरेडी कल बताया था ना, इसका KB जो होता है कितना, जीरो होता है, तो इस वजह से HSO4- माइनस भी जो है वो एम्फीप्रोटिक नहीं है। उसी तरह से H2CO3 का कॉन्जुकेट बेस HCO3- माइनस है, HCO3- माइनस कॉन्जुकेट बेस CO3- माइनस 2 है, और हर कॉन्जुकेट बेस का मैंने KB निकालने सिखाया है, KA अपॉन KA1 या KA अपॉन KW अपॉन KA1 या KW अपॉन KA2, जैसा भी केस है, समझे क्या? जैसे HCO3- माइनस का KB कितना होगा, KB ऑफ HCO3- माइनस मैंने बताया हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू KW अपॉन KA1 ऑफ H2CO3 ऑफ व्हाट H2CO3, यस, एंड KB ऑफ कार्बोनेट कितना हो जाएगा, कार्बोनेट का KB कितना हो जाएगा, KB ऑफ कार्बोनेट कितना हो जाएगा, KW अपॉन व्हाट, KW अपॉन KA2, यस, ऑफ H2CO3, बात समझे क्या? सब मैंने पढ़ाया है थ्योरी में। उसी तरह से H2S का कॉन्जुकेट बेस HS माइनस, HS माइनस कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एसिड, मैंने कल लिस्ट सही कराई थी, करेक्शन कराया था कल वाले लिस्ट में, एंड HS माइनस का कॉन्जुकेट बेस क्या S माइनस टू, तो HS माइनस कैन एक्ट एज अ बेस, HS माइनस कैन एक्ट एज एसिड, तो HS माइनस क्या हो गया, एम्फीप्रोटिक हो गया। उसी तरह से H3PO4 का कॉन्जुकेट बेस H2PO4 माइनस वन, H2PO4 माइनस वन का कॉन्जुकेट बेस HPO4 माइनस टू, तो HPO4 माइनस फोर H2PO4 माइनस वन क्या हो गया, एम्फीप्रोटिक हो गया। उसी तरह से HPO4 माइनस टू यहाँ पे बेस है, यहाँ पे कैन एक्ट एज एन एसिड, समझे क्या? इसका कॉन्जुकेट बेस कितना, PO4 माइनस थ्री, सो HPO4 माइनस टू क्या हो गया, एम्फीप्रोटिक हो गया। राइट, और इन सबके KB वैल्यूज मैंने निकालने सिखाए ऑलरेडी। राइट, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन टेबल दैट ब्रोंसिल लॉरी एसिड्स एंड बेसिस कैन बी मॉलिक्युलर कैटायनिक और एनायनिक, कैन बी मॉलिक्युलर कैटायनिक और एनायनिक एज लिस्टेड इन द लिस्ट बिलो, ठीक है। तो मॉलिक्युलर ब्रोंस्टेड एसिड्स, मॉलिक्युलर ब्रोंस्टेड एसिड जैसे HClO4, HNO3, H3PO4, H2SO4, एसिटिक एसिड HCl, H2O, मॉलिक्युलर ब्रोंस्टेड बेसिस अमोनिया, N2H4, PH3, अमीन्स एंड अल्कोहल्स, कैटायनिक एसिड जैसे NH4+,
N2H5+ अभी हमने देखा ऊपर वाले एग्जांपल में N2H5 कैसे बनाता है। यहां पे देखो ना, ये देखो ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है ना, N2H5+ राइट, कैटायनिक एसिड्स, जैसे N2H5+ हो गया, उसी तरह से PH4+ हो गया, देन ये कैटायनिक एसिड, देन Na+ Ba+2, ये सब क्या कैटायनिक एसिड्स है, ठीक है, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली द लोएस्ट एसिड्स, अभी पढ़ेंगे हम लोग। एंड कैटायनिक बेसिस क्या, कैटायनिक बेसिस क्या होगा, ये मैंने बताया, Fe(H2)5OH+2, Al(H2)5OH+2, ये सब क्या कैटायनिक बेसिस है। एनायनिक एसिड जैसे HCO3-, HSO4-, HSO3-, HS-, H2PO4-1, एंड एनायनिक बेसिस जैसे Cl-, Br-, Cn-, NH2-, CO3-2, SO4-2OH-, समझे क्या, राइट। कैटायनिक एसिड के लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एसिड तो इन्होंने मिस कर दिया है, इसमें ऐड कर लो क्या, H3O+ कैटायनिक एसिड, राइट। फिर उसके बाद देयर इज एडवांटेज ऑफ Bronsted-Lowry कांसेप्ट, एडवांटेज ऑफ Bronsted-Lowry कांसेप्ट दैट बिसाइड्स वाटर एनी अदर सॉल्वेंट विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और लूज अ प्रोटॉन में डिसाइड द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट। मोर ओवर इट इज, इट कैन बी सेड दैट एसिड और बेसिक टर्म इज कॉम्पेरेटिव। मैंने जैसा बताया कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट एसिड या एब्सोल्यूट बेस नहीं होता है, सब्सटेंस का एसिड होना या सब्सटेंस का बेस होना इज अ रिलेटिव टर्म, जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया, पहला एडवांटेज हो गया कि वाटर एज अ सॉल्वेंट होना जरूरी नहीं है, कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट या लूज कर सकता है, कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट या लूज कर सकता है वो क्या हो जाएगा, वो Bronsted एसिड या बेस कहलाया जा सकता है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड चीज ये है कि द टर्म एसिड और बेस जो है वो क्या है, वो कॉम्पेरेटिव है, ठीक है ना। टर्म एसिड और बेस जो है वो दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ कॉम्पेरेटिव टर्म, जो मतलब क्या बताया मैंने, कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट एसिड नहीं होता, कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट बेस नहीं होता, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर यह बता रहे हैं कि जैसे देखो, अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड इन वन सॉल्वेंट व्हाइल इट कैन एक्ट एज अ बेस इन अनदर सॉल्वेंट। देखो जैसे एग्जाम्पल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही वाला पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में लिख कर दिया था कि एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर जो होते हैं एकदम रिलेटिव होते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड इन वन सॉल्वेंट व्हाइल इट बिहेव्स एज अ बेस इन अनदर सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या बता रहे कि एसिटिक एसिड इज एन एसिड इन वाटर बट बिहेव्स एज अ बेस इन HF। हमने अभी एग्जाम्पल देखा, एसिटिक एसिड जो है इट इज अ एसिड इन वाटर बट इट बिहेव्स एज अ बेस इन HF। अभी यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन लंबा चलेगा, समझे क्या। तो इसका रीजन मैंने बताया, ऐसा क्यों है, बिकॉज एसिटिक एसिड बिहेव्स एज एन एसिड इन वाटर बट बिहेव्स एज अ बेस इन HF। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द पोजिशन। अगर हम लोग पोजिशन देखें, H3O+ HF acetic acid and what water, look at the position, या जो हमने कल वाला टेबल देखा था, अभी वैसे भी इनफैक्ट हमें कल वाले टेबल में वापस जाना ही पड़ेगा, तो एक बार उसमें नजर घुमा के डाल लेते हैं कल वाले टेबल में। ये देखो, इसमें अभी वापस हमें आना ही पड़ेगा बिकॉज इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करता हूं, ठीक है। ये देखो यहां पे जो है, जस्ट लुक एट द HF, देखो जरा ये HF है, ठीक है, और ये देखो एसिटिक एसिड है। तो हाइड्रोनियम आयन पोजीशन जो मैंने लिखा, हाइड्रोनियम आयन HF, यस एसिटिक एसिड एंड व्हाट वाटर, एंड व्हाट दिस वाटर, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि हमने जो देखा अभी तक यहां पे, हम लोग ये देख सकते हैं कि ऑर्डर, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स का ऑर्डर क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का ऑर्डर ये है कि दैट मींस टेंडेंसी टू गिव प्रोटॉन डिक्रीजेस व्हाइल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इंक्रीजेस। अब इसको ध्यान से सुनना, इस तरह से मतलब क्या, क्या बता रहे, टेंडेंसी टू गिव द प्रोटॉन डिक्रीजेस,
ऑब्वियसली अगर टेंडेंसी टू गिव द प्रोटॉन डिक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन इंक्रीज होगा. ठीक है, तो यहां से ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस व्हाइल बेसिक स्ट्रेंथ. अभी एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा ना, सो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. बात समझे क्या, राइट. तो इसी वजह से क्या कहा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि जब एसिटिक एसिड और वाटर एक साथ है, एसिटिक एसिड और वाटर जब एक साथ है तो उस केस में CH3COOH, व्हेन CH3COOH एंड वाटर आर टुगेदर, इन दैट केस हमें यह दिख रहा है कि CH3COOH has a greater tendency to donate a proton as compared to water. तो definitely यहाँ पे CH3COOH क्या करेगा, CH3COOH यहाँ पे proton donate करेगा water को and खुद क्या बनाएगा, CH3COO-. समझे क्या, मतलब यहाँ पे this is acting as an acid. One, and this has to act as what? This has to act as base 2. समझे क्या, and H3O plus will act as what? Acid 2, and this thing will act as what? Base 1. समझे क्या, इस तरह से करें भाई, इस तरह से है कि ऐसा ये चीज ये. बट अभी दूसरी बार में क्या कहा जा रहा है, दूसरी बार में यह कहा जा रहा है कि अगर इसी एसिटिक एसिड को HF के साथ डाल दिया, HF plus CH3COOH, ठीक है, तो अभी यहां पे क्या है, यहां से हमें यह दिख रहा है कि एसिटिक एसिड और HF में प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा किसका, HF का ज्यादा प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है. तो डेफिनेटली HF प्रोटॉन देगा एसिटिक एसिड को, और एसिटिक एसिड को प्रोटॉन क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. HF जो है प्रोटॉन देगा एसिटिक एसिड को, ना एसिटिक एसिड को क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. समझे क्या, तो बेसिकली यहां पे HF जो है क्या करेगा, एसिटिक एसिड को प्रोटॉन देगा, और अगर HF ने एसिटिक एसिड को प्रोटॉन दिया तो ये क्या बना लेगा, CH3COOH2+ क्या, F-. समझे क्या, तो ऊपर वाले रिएक्शन में एसिटिक एसिड वॉज एक्टिंग एज एन एसिड, जबकि यहां पे CH3COOH बिकम्स व्हाट, इट हैज टू बिहेव एज अ बेस 2, एंड HF acts as an acid 1. HF acid 1, तो F- क्या हो गया, F- हो गया बेस 1. समझे क्या, एंड बेस 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड 2. दीज बिकम द कॉन्जुकेट एसिड बेस पेयर्स. ठीक है, और अगर हमसे, जैसे हमने यहां पे ये एसिड स्ट्रेंथ लिखा है, ठीक है, अगर हमसे यहां पे कोई पूछे इनके कॉन्जुकेट बेसिस का स्ट्रेंथ लिखो, तो H3O प्लस का कॉन्जुकेट बेस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा. समझे क्या, HF का कॉन्जुकेट बेस क्या हो जाएगा, F- हो जाएगा. एसिटिक एसिड का कॉन्जुकेट बेस क्या हो जाएगा, CH3CO- हो जाएगा. वाटर कॉन्जुकेट बेस क्या हो जाएगा, OH- हो जाएगा. तो कॉन्जुकेट बेस का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा. ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. ठीक है, तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एसिड और बेस का जो टर्म होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिलेटिव टर्म. ठीक है ना, जो भी एसिड और बेस का टर्म होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिलेटिव टर्म. बात समझे क्या, तो एसिटिक एसिड एक्ट्स एज एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जाता है, एसिटिक एसिड एक्ट्स एज एसिड इन वाटर बट इट बिहेव्स एज अ बेस इन HF. समझे क्या, राइट. तो ये इस तरह से, ये तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, राइट. अब देखो जरा, अब इसी वाले पॉइंट को डिस्कशन करते हुए मैं वापस चलता हूं जिस टेबल का हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे. जैसे सपोज करो कि, हाँ, इस वाले टेबल का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. चलो अब मैं जो है फटाफट से, इसमें भी एक पॉइंट और है जो कि इंपॉर्टेंट है. अभी ये सब जो मैंने लिखा है उसको मैं हटाता हूं, समझे क्या, क्योंकि आई विल बी नीडिंग ऑल दिस थिंग्स नाउ. इसको मैं हटा रहा हूं बिकॉज ये लेक्चर्स हो गए. अब देखो जरा, अभी मैं क्या करता हूं, मैं फटाफट से मैं एग्जाम्पल्स लूंगा
एंड फटाफट से विल आइडेंटिफाई कि व्हाट विल एक्ट एज एन एसिड, व्हाट विल एक्ट एज अ बेस, ठीक है, जब दोनों को एक साथ लाया जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब मेरा सिंपल सा सवाल ये है, सिंपल सवाल मेरा ये है कि अभी अगर हमने क्या किया, हमने परक्लोरिक एसिड और एचआई को एक साथ ले लिया, तो अभी अगर हमने परक्लोरिक एसिड और एचआई को एक साथ अगर हम लोग लेकर आ गए तो क्या होगा, मतलब क्या HClO4 प्लस एचआई को अगर हम लोग एक साथ लेकर आ गए तो अभी इस केस में क्या होगा, बताओ जरा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, what is going to happen in this case, HClO4 plus HI, तो list के हिसाब से क्या दिख रहा है हमें, HClO4 is a stronger acid than HI, पानी में सबका strength same हो जाता है, but अभी क्या है, HClO4 और HI एक साथ है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो HClO4 is a stronger acid than HI, तो definitely HClO4 जो है क्या होगा, HClO4 will act as an acid, this will act as an acid, समझे क्या, and HI will act as a what, it will act as a base, समझे क्या, और यहां पे क्या आ जाएगा, एच टू आई प्लस, प्लस क्या, प्लस वॉट, प्लस सी एल ओ फोर माइनस, समझे क्या। उसी तरह से अभी सपोज करो अगर मैंने क्या किया, सपोज करो यहां से अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने ओवर हेयर लेट अस अज्यूम दैट एच एफ और HNO2 को एक साथ ले लिया, HF और नाइट्रस एसिड को एक साथ लिया अगर मैंने, HF और HNO2, तो हमें यहां से क्या दिख रहा है कि पोजीशन क्या है, H3O plus HF HNO2 and water, ये लिस्ट याद होना बहुत जरूरी है, समझे क्या। तो HF और HNO2 को अगर हमने एक साथ लिखा, तो HF और HNO2 को एक साथ लिखने से क्या आएगा, हमें क्या दिख रहा है, HF is a stronger proton donor than HNO2, तो एक्चुअली जब एक साथ आएंगे तो HF plus HNO2, जब दोनों एक साथ आएंगे तो HF plus HNO2, तो यहां पे क्या होगा, HF will act as an acid, HF क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, राइट, और क्या बनेगा, H2 HNO2 है ना, HF will donate a proton and क्या आ जाएगा, HNO2 H plus plus क्या, F minus acid 1, और ये क्या बन गया, base 1, और यहां पे HNO2 जो कि वाटर में एज एन एसिड बिहेव करता है, HNO2 वाटर में एज एन एसिड बिहेव करता है, मगर यहां पे इट हैज टू बिहेव एज अ बेस, बेस 2, एंड दिस बिकम्स व्हाट, एसिड 2, ये ऐसा ये चीज है, ठीक है। तो अभी इस तरह से सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं अगर मैं एक एग्जांपल और ले लू, सपोज करो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास है HCN एंड HCO3 माइनस, तो अगर मेरे पास HCN और HCO3 माइनस, तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों में से रिलेटिव स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ HCN का ज्यादा है, HCO3 माइनस का रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा है, कम है एज कंपेयर टू HCN, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे अरेंज करते हैं, H3O प्लस HCN HCO3 माइनस, समझे क्या, एंड वॉट, एंड दिस इज वॉट H2O, तो अगर हमने इसको ऐसे अरेंज किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर क्या होगा, HCN is relatively stronger acid than what, HCO3 minus, तो जब HCN और HCO3 minus एक साथ आएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, HCN plus क्या, HCO3 minus जब एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, HCN will act as a proton donor, समझे क्या, तो this will behave as acid 1 and HCO3- will act as what, base 2, anyways मैंने बताया HCO3- कैसा है, amphiprotic ion है, वो proton ले भी सकता है, proton दे भी सकता है, ठीक है। तो HCN क्या हो जाएगा, HCN proton देगा, और HCO3- proton लेकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा H2CO3, और HCN- क्या बना लेगा, CN-, समझे क्या, राइट। तो ये एसिड 1, और ये क्या हो गया, ये हो गया बेस 1, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स बेस 1, this becomes base 1,
राइट। और ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड टू, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ये रहे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, बात समझे क्या, राइट। अच्छा तो ये चीज है, इस तरह से हमें चीजों को समझना है। आई होप सो भी क्लियर हुआ होगा, समझे क्या, राइट। नाउ अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी में बेटर होगा, हमें इस टेबल में भी लौट कराना है, मगर मैं उस वाले पेज में पढ़ा रहा था तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी वाले, अभी यहां पे जो मैंने जितना बताया इन सारी चीजों को नोट कर लो, ठीक है। मैंने जितने भी एग्जांपल दिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के, यहां पे मैंने जितने भी एग्जांपल दिए कि कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट एसिड या एब्सोल्यूट बेस नहीं है, मैंने तीन एग्जांपल दिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के, ये सारी चीजों को नोट कर लो, ठीक है, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ये एप्लीकेशन पूछा जाता है एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है। अब देखो अगली चीज इसी में, इसी पॉइंट में मैं अगला एग्जांपल देता हूं, इसी पॉइंट में आई विल गिव यू नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगला पॉइंट ये है कि सुनना बात को ध्यान से, इफ सॉल्वेंट इज एब्सेंट एंड ओनली प्योर सब्सटेंस इज प्रेजेंट, देन ब्रॉन्स्टेड एसिड बी एसिड, मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व्ड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल अगर मेरे पास है प्योर HClO4, अगर मेरे पास है प्योर HClO4, तो प्योर HClO4 की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, HClO4 प्लस HClO4, मतलब HClO4 इज सराउंडेड बाय HClO4 ओनली, ठीक है। HClO4 एसिड कब बिहेव करेगा, जब HClO4 के साथ एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो HClO4 के मुकाबले पुअर एसिड होगा, या HClO4 जिसको अपना प्रोटॉन दे सके, समझे क्या। जैसे HClO4 अगर पानी के साथ है, जैसे HClO4 अगर पानी के साथ है, तो HClO4 के मुकाबले पानी जो है उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, तो HClO4 के साथ एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन ले सकता है, तभी HClO4 क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। बट अगर पानी नहीं है, साथ में कोई और सॉल्वेंट भी नहीं है, ठीक है, बस क्या है प्योर HClO4 है, तो प्योर HClO4 क्या करेगा, शायद मैं बता चुका हूं पहले भी बता चुका हूं, तो प्योर HClO4 क्या करेगा, किसको प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन लेने वाला कोई है ही नहीं, इसके आसपास सराउंडिंग कोई ऐसा सब्सटेंस है ही नहीं है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, समझे क्या। तो प्योर HClO4 जो है इट इज नॉट एन एसिड और बेस, प्योर सब्सटेंस जो है एसिड या बेस की तरह बिहेव नहीं करता है, समझे क्या, राइट। नो, अगर सॉल्वेंट एब्सेंट है तो सब्सटेंस कभी भी एसिड या बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर इज नो एंटिटी विच कैन एक्सेप्ट और डोनेट अ प्रोटॉन, समझे क्या। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल मैंने बताया प्योर HClO4, समझे क्या, प्योर H2SO4, राइट, प्योर HI, HBr, HCl, प्योर HNO3, समझे क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, ऐसा मैंने कर दिया प्योर HF, एसिटिक एसिड, समझे क्या, देन उसके बाद सपोज करो H2CO3, सो मेनी एग्जाम्पल्स, H2CO3, उसके बाद सपोज करो HCO3-, राइट, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है ना, दे डू नॉट शो एसिडिक
बिहेवियर, बिकॉज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट एंटिटी, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट एंटिटी टू टू एक्सेप्ट देयर प्रोटॉन्स, बिकॉज इनका प्रोटॉन एक्सेप्ट करने को यही नहीं, ये एसिड की तरह कब बिहेव करेंगे, जब इनके पास कोई तो होगा जो इनका प्रोटॉन ले सके, जब इनके पास कोई प्रोटॉन लेने वाला नहीं है तो ये प्रोटॉन किसको देंगे, जब प्रोटॉन देंगे नहीं तो दे विल नॉट एट ऑल बिहेव एज अ एसिड. सिमिलरली इसी में अब देखो, अब तुम लोग रिलेट करोगे इससे, अगर मैं इसी में लिखूं क्या, प्योर वॉटर, इसी में अगर हम लोग लिखे क्या प्योर वॉटर, और हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रिंक दिस प्योर वाटर ना, हम लोग क्यों पी पाते हैं, अगर प्योर वाटर एसिडिक हो या बेसिक हो तो हम लोग पानी पी सकते हैं क्या, नहीं पी सकते ना, हम लोग प्योर वाटर इसलिए पी सकते हैं क्योंकि प्योर वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. वैसे हमने देखा है वाटर कैन एक्ट एज एन एसिड, वाटर कैन एक्ट एज अ बेस, मगर प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज वॉट न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि प्योर वाटर के पास बस वाटर है, प्योर वाटर से ना ही कोई प्रोटॉन ले सकता है ना ही कोई प्रोटॉन दे सकता है. प्योर वाटर का ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऑटोआयनाइजेशन होगा. मतलब क्या, H2O plus H2O, ये क्या देगा, H3O plus plus OH minus, तो एक एसिड एक बेस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, समझे क्या, राइट right. तभी हम लोग पी पाते ना प्योर वाटर, बिकॉज इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. वही चीज मैं बता रहा हूं कि जो प्योर एंटिटी है इट विल नेवर एक्ट एज एन एसिड और अ बेस, ठीक है ना, राइट. प्योर एंटिटीज दे कैन अंडरगो वॉट, ऑटोआयनाइजेशन, बस. और मैंने ऑटोआयनाइजेशन के दो तीन एग्जाम्पल कराए भी थे, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, मैंने पहले बता चुका हूं ऑटोआयनाइजेशन के एग्जाम्पल, देखा अंडर को ऑटोआयनाइजेशन. उसी तरह से अगर मैं बात करूं प्योर अमोनिया बेसिस की, अगर मैं बात करूं प्योर अमोनिया, समझे क्या, प्योर अमोनिया जो है इट इज नॉट बेसिक एट ऑल, नॉट बेसिक और एसिडिक एट ऑल. क्यों ऐसा, बिकॉज अमोनिया जब अमोनिया के साथ होगा तो ये क्या करेंगे, एक अमोनिया दूसरे को प्रोटॉन दे देगा और क्या बना लेगा, NH2 माइनस प्लस NH4 प्लस. तो ये हम जानते हैं बेस होता है और ये हम जानते हैं क्या, ये एसिड होता है, समझे क्या. तो ये ऑटो आयनाइजेशन दिखाएगा, समझे क्या, राइट. तो यहां पे देखा जाए एक अमोनिया इज एक्टिंग एज प्रोटॉन डोनर, मतलब वन अमोनिया इज एक्टिंग एज एन एसिड व्हाइल अदर अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है. सो एक तरह से क्या, अमोनिया इज नाइदर एन एसिड नाइदर अ बेस, इन केस ऑफ प्योर अमोनिया इट इज ओनली अंडरगोइंग व्हाट, ऑटोआयनाइजेशन, ठीक है ना, राइट. तो जब प्योर सब्सटेंस है तुम उसको एसिड या बेस क्लासिफाई नहीं कर सकते, वो ऑटोआयनाइजेशन ही अंडरगो करेगा, समझे क्या, राइट. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो आगे आता है, बताता हूं वो पॉइंट, ठीक है. अब उसके बाद ये शायद तुमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, सर ने पढ़ाया हुआ है कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, दो सॉल्वेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटॉन लविंग, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, लिक्विड अमोनिया हो गया. प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विच हैव द प्रोटो मतलब प्रोटॉन, जेनिक मतलब जेनेसिस टू जनरेट, तो सॉल्वेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन डोनर्स, समझे क्या, सॉल्वेंट विच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, जैसे वाटर हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया, लिक्विड HF हो गया. एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट बता दिया मैंने, वाटर, लिक्विड अमोनिया, अल्कोहल, एक्सेप्ट और डोनेट द प्रोटॉन. एंड देन एप्रोटिक सॉल्वेंट तुमने पढ़ा हुआ है सब, एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट विच कैन नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, जैसे बेंजीन, CCl4, CH2 एक्सेट्रा, ये सब कैसे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है. फिर ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, KA KB वैल्यूज, ये सब मैंने बता दिया कि लार्जर KA वैल्यू इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर एसिड नेचर, सिमिलरली लार्जर KB वैल्यू इंडिकेट्स बेस इज स्ट्रॉन्गर इन नेचर, ठीक है. उसके बाद ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेसिस एंड वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस, इसका रीजन मैंने बताया था, ठीक है. उसके बाद यहां पे KA और KB जनरली कन्वर्टेड इंटू PKA, PKA कितना होता है माइनस लॉग टू द बेस इन KA, PKB कितना होता है माइनस लॉग टू द बेस इन KB, ठीक है, बता दिया मैंने. स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKA
इंडिकेट्स व्हाट स्ट्रॉन्गर एसिड, ये सब तुमने पढ़ा है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, ठीक है। अभी अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट वेट कर रहा है हमारा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अभी तक मैं तुमको बताता आ रहा था कि जो एसिड H3O+ के ऊपर है वो एसिड कैसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, जो एसिड H3O+ और वाटर के नीचे है, जो एसिड H3O+ और वाटर के बीच में वो एसिड कैसे वीकर एसिड है, वो रिवर्सिबल डिसोसिएशन अंडरगो करते हैं, और जो एसिड वाटर के भी नीचे है वो एसिड नहीं, उनका एसिड आयनाइजेशन होता नहीं, वो एक्चुअली बेसिस है, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि नो सब्सटेंस इज एन एब्सोल्यूट एसिड और एन एब्सोल्यूट बेस, उसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी एसिड एब्सोल्यूटली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, समझे क्या? उसी तरह से कोई भी बेस जो है एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बात समझे क्या? जैसे मैंने बताया कोई भी सब्सटेंस एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, उसी तरह से क्या, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो जरा पहले इसमें जो लिखा है पहले वो पढ़ देता हूं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है मगर ये इंपॉर्टेंट है। चलो पहले मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स डिपेंड्स ऑन इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट मीन्स नो एसिड इज अ यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग एसिड इन ऑल द सॉल्वेंट्स। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल डिपेंड ऑन प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्वेंट। दैट मीन्स अ पर्टिकुलर एसिड That means a particular acid may behave as a strong H plus donor in a solvent A, while a poor H plus donor in a solvent B, because solvent A is a strong H plus acceptor, while solvent B is a पुअर एच प्लस एक्सेप्टर। अभी ये चीज क्लियर होगी तुमको। चलो देखो, लेट अस टॉक अबाउट, पहले सिंपल से मैं एग्जाम्पल लेता हूं, HClO4 इन वॉटर, वॉटर एज अ सॉल्वेंट, राइट। एंड अगला एग्जाम्पल मैं लूंगा HClO4, अगले एग्जाम्पल में लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, HClO4 इन एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट,
एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट, समझे क्या? चलो अच्छा, इसको देखने से पहले, इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बात को सुनना ध्यान से। चलो मैं क्या करता हूं, आई विल कंसिडर एग्जाम्पल वन, लेट अस लिसन टू इट वेरी केयरफुली। एग्जाम्पल वन मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल वन, ठीक है। एग्जाम्पल वन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो सॉल्वेंट लेता हूं, H2O एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, एंड एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, राइट। अच्छा अब देखो जरा, अगर हम लोग इनके एसिडिक बिहेवियर्स को कंपेयर करें तो हम जानते हैं कि H3O प्लस CH3COH एंड H2O, ठीक है। तो ये क्या है, एसिडिक बिहेवियर डिक्रीजेस, यस। और अगर मैं इसको रिवर्स लिखूं, मैं इसको रिवर्स लिखूं ऐसे, H3O प्लस CH3COH एंड वाटर, समझे क्या? यहां पे क्या बताऊंगा, अभी इफ वाटर इज अ पुअर एसिड देन एसिटिक एसिड, इसका मतलब वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहां पे क्या बताऊंगा मैं, बेसिक बिहेवियर इंक्रीजेस, समझे क्या? बेसिक बिहेवियर इंक्रीजेस, राइट। अच्छा अब देखो जरा, बेसिक बिहेवियर इंक्रीजेस, अब मैं क्या करता हूं, मैं एग्जाम्पल वन में क्या करता हूं, एग्जाम्पल वन में मैं जो सब्सटेंस ले रहा हूं, HClO4, समझे क्या? और एग्जाम्पल टू में ये मेरा सब्सटेंस है, HClO4 जो है मेरा सब्सटेंस है, दिस इज अ सब्सटेंस इन एग्जाम्पल वन, ठीक है। एंड एग्जाम्पल टू में वेट, अच्छा HClO सब्सटेंस एग्जाम्पल वन में सब्सटेंस, ठीक चलो अभी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक ये मैंने बताया, ये चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दो सॉल्वेंट मैंने पहले डिफाइन कर दिए, आई हैव डिफाइंड टू सॉल्वेंट्स, नाउ व्हाट आई विल डू, अब लेता हूं मैं एग्जाम्पल वन, नाउ विल टेक एग्जाम्पल वन। एक बार मैंने कहा HClO4 इन वॉटर सॉल्वेंट, और एक बार मैंने कहा, चलो ठीक है, हाँ ठीक, और एक बार मैंने कहा HClO4 इन CH3COH सॉल्वेंट, ठीक है। अभी खुद ही अपने दिमाग से सोचकर बताओ, हमें यहां पे क्या दिख रहा है, हमें यहां पे एक चीज एकदम क्लियरली दिखाई दे रही है कि एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग, CH3COH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, ठीक है, एंड वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन CH3COH। मतलब ये जो हमने कंपैरिजन किया, इस कंपैरिजन से हमें पहला पॉइंट ये समझ आता है कि CH3COH हैज अ बेटर प्रोटॉन डोनर टेंडेंसी दैन वाटर, पहले से हमको ये समझ में आता है, ठीक है। और दूसरे से हमको क्या समझ में आता है, दूसरे से हमको ये समझ में आता है कि वाटर हैज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी than what CH3COH, is not, यहां पर हमने बेसिक बिहेवियर कंपेयर किया, वॉटर एज अ बेटर प्रोटोन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देन CH3COH। मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये एग्जाम्पल आएगा
पूछा जाता है एग्जाम में, समझे क्या? तो अभी अगर मैंने क्या किया, मैंने HClO4 को पानी में डाला और एक बार मैंने HClO4 को एसिटिक एसिड में डाला, तो डेफिनेटली जब हमने मैंने HClO4 को पानी में डाला तो डेफिनेटली यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि HClO4 एंड वाटर में क्या रिलेशन है, एसिड स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, ठीक है? और यहां पे HClO4 और एसिटिक एसिड में रिलेटिव पोजीशंस क्या क्या है, HClO4 H3O+ एंड एसिटिक एसिड। तो एक बात तो क्लियर है कि HClO4 और वाटर जब एक साथ आएंगे तो एक बात तो क्लियर है कि HClO4 जब HClO4 और वाटर एक साथ आएंगे तो क्या होगा, HClO4 प्लस वाटर, एंड यहां पे क्या होगा, HClO4 विल एक्ट एज एन एसिड एंड वाटर हैज टू एक्ट एज अ बेस। ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई, एसिड 1 बेस 2 एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, H3O+ वाटर के साथ है, पोजीशन इसका क्या है, H3O+ एंड क्या, वाटर, समझे क्या? तो ये कंप्लीट रिएक्शन होगा, H3O+ प्लस क्या, ClO4-, दिस इज बेस 1 एंड दिस इज व्हाट, एसिड 2, इस तरह से ये रिएक्शन आएगा ऐसा, ठीक है? राइट, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, यहां पे हमें ये जो हमने पढ़ा हुआ है, हम जो पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं कि बिकॉज सिंस वाटर, या फर्स्ट ऑफ ऑल HClO4 undergoes what, complete acid ionization in water, therefore HClO4 acts as a strong acid in water। ये चीज तो हम लोग पढ़े हुए हैं, HClO4 will act as a strong acid in water। अब अगर यहां पे हम बात करते हैं HClO4 के लिए HClO4 प्लस एसिटिक एसिड, अभी HClO4 विल डेफिनेटली एक्ट एज एन एसिड 1 एंड एसिटिक एसिड विल हैव टू एक्ट एज अ बेस 2, बट अगर हम लोग यहां पे बिकॉज HClO4 इज एक्टिंग एज एन एसिड एंड एसिटिक एसिड इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है, एंड पहले वाले केस में वॉटर वॉज एक्टिंग एज अ बेस, तो एसिटिक एसिड एज अ बेस और वॉटर एज अ बेस में कौन अच्छा बेस है, डेफिनेटली वॉटर इज अ बेटर बेस देन एसिटिक एसिड, समझे क्या? मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि वाटर हैज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देन एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एसिटिक एसिड जो है इसका प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी उतना अच्छा नहीं है, एसिटिक एसिड का प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू वॉटर। तो HClO4 यहां पे एसिटिक एसिड को उतने अच्छे से प्रोटॉन नहीं दे पाएगा जितने अच्छे से प्रोटॉन वो वाटर को दे पा रहा था, क्यों? बिकॉज वाटर का प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी अच्छा है, एसिटिक एसिड का प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी अच्छा नहीं है। इस वजह से यहां पे क्या होगा, यहां पे HClO4 का रिवर्सिबल डिसोसिएशन हो जाएगा, HClO4 का यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रिवर्सिबल डिसोसिएशन हो जाएगा और ये क्या दे देगा, दिस विल फॉर्म व्हाट, CH3COOH2+ क्या, ClO4-, समझे क्या? तो यहां पे क्या बताएंगे, सिंस CH3COOH is a poor proton receptor than water, therefore HClO4 acts as a comparatively, therefore HClO4 donates proton to acetic acid to a lesser extent than what, water। इस वजह से क्या कहेंगे, इस वजह से ये कहेंगे therefore कि HClO4 acts as a
acts as a first stronger acid. It acts as a stronger acid in water, while it will act as a weaker acid in what? CH3COOH. बात समझे क्या? राइट. तो ये चीज है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया, यहां पे अल्फा कितना रहेगा HClO4 का? HClO4 का अल्फा यहां पे रहेगा 1, और यहां पे अल्फा कितना रहेगा HClO4 का? अल्फा रहेगा लेस देन 1. समझे क्या? एंड देन Ka ऑफ HClO4 इन वॉटर विल बी मोर देन Ka ऑफ HClO4 इन एसिटिक एसिड. आई होप सो क्लियर हुई होगी ये बात. इन एसिटिक एसिड. ये था एग्जाम्पल 1. समझे क्या? फटाफट से चलते हैं एग्जाम्पल 2 में. वो भी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. एग्जाम्पल टू अमोनिया इन वॉटर एज अ सॉल्वेंट, राइट? एंड ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अमोनिया इन CH3COH एज अ सॉल्वेंट. अमोनिया इन CH3COH सॉल्वेंट. समझे गए? राइट. तो यहां पे देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमें ये चीज पता है, हम एक चीज जानते हैं कि अमोनिया अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें तो H3O+ देन एसिटिक एसिड देन वाटर एंड देन वॉट? अमोनिया. तो अमोनिया इज बिलो वॉटर, मतलब अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस वाइल दीज टू विल एक्ट एज वॉट? एसिड्स. समझे क्या? राइट. तो जब अमोनिया और मतलब ये क्या है, दिस इज एसिड स्ट्रेंथ. बात समझे क्या? राइट. तो यहां पे क्या बताएंगे, जो कॉमनली पूछा जाएगा, किस तरह से अगर हम लोग अमोनिया को वाटर के साथ डालेंगे तो वाटर विल एक्ट एज एन एसिड 1 एंड अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस 2. ठीक है, अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस एंड इसका क्या होगा, इसका होगा रिवर्सिबल एसिड बेस रिएक्शन होगा अमोनिया एज अ बेस. तो ये क्या देगा, दिस विल गिव NH4+ प्लस OH-. मैंने पहले बताया ये H+ दे रहा है. ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया एसिड 2 और ये क्या बन गया, ये बन गया बेस 2. मैंने बताया हुआ था रिएक्शन इज मूविंग फ्रॉम फॉरवर्ड रिएक्शन. क्यों हुआ, मैंने जैसे पहले बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वाटर इज अ एसिड एंड अमोनिया इज अ बेस, इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ. बैकवर्ड रिएक्शन क्यों हुआ, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से OH- बन गया. अभी यहां पे बेस OH-, यहां पे बेस अमोनिया है, तो अमोनिया और OH- स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, OH- स्ट्रॉन्गर बेस है. उसी तरह NH4+ और वाटर में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, NH4+ स्ट्रॉन्गर एसिड है. तो रिएक्शन मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस, इस वजह से ये बैकवर्ड डायरेक्शन भी आ गया रिएक्शन का. समझे क्या? ठीक है, राइट. तो यहां पे हम जानते हैं कि वी नो दैट ओवर हियर, या बेटर होगा इसको, बिकॉज हम लोग यहां पे अमोनिया का बेसिक नेचर देख रहे हैं ना, तो इसको मैं ऐसे रखता हूं, इसको जो है मैं ऐसे बता देता हूं. अमोनिया का जो पोजीशन है OH- अमोनिया एंड वाटर,
मैंने ये इस तरह से कहा है कि कोई भी बेस अगर OH- से वीकर है वाटर से स्ट्रॉन्गर है तो उसका रिवर्सिबल डिसोसिएशन होता है, ठीक है। डेफिनेटली वाटर विल एक्ट एज एन एसिड और यहां पे क्या होगा, रिवर्सिबल डिसोसिएशन होगा। और क्या बताएंगे, अमोनिया एक्ट एज अ वीक बेस इन वाटर, अमोनिया एक्ट एज अ वीक बेस इन वाटर क्योंकि रिवर्सिबल डिसोसिएशन, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हमने अमोनिया को किसमें डाला, अमोनिया को हमने डाला किसमें, अमोनिया को हमने डाला एसिटिक एसिड में, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि अमोनिया और एसिटिक एसिड में एसिटिक एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है ना, एसिटिक एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है, ठीक है। एंड एसिटिक एसिड इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन वॉटर, बेटर प्रोटॉन डोनर देन वॉटर। एंड अमोनिया क्या है, प्रोटॉन रिसेप्टर है, यस। तो डेफिनेटली यहां पे भी जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन तो ऐसी होगा अमोनिया प्लस एसिटिक एसिड गेटिंग, मगर क्योंकि एसिटिक एसिड कैसा है, अच्छा प्रोटॉन डोनर एज कंपेयर टू वॉटर, तो वॉटर के साथ कैसा था, रिवर्सिबल रिएक्शन था, मगर एसिटिक एसिड कैसा है, अच्छा प्रोटॉन डोनर एज कंपेयर टू वॉटर, मतलब एसिटिक एसिड जो है बहुत आसानी से इस अमोनिया को क्या करेगा, प्रोटॉन दे सकता है। एसिटिक एसिड जो बहुत आसानी से इवन विद अ ग्रेटर ईज, एसिटिक एसिड कैन गिव प्रोटॉन टू अमोनिया विद अ ग्रेटर ईज एज कंपेयर टू वॉटर, गेटिंग ना। तो डेफिनेटली यहां पर इट विल एक्ट एज वॉट, बेस वन, एंड दिस विल एक्ट एज वॉट, एसिड टू, राइट। एंड यहां पर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, यहां पर इररिवर्सिबल रिएक्शन आएगा, सच दैट यहां पर क्या होगा, एनएच फोर प्लस प्लस क्या, CH3COO माइनस, मतलब ये क्या हो गया, एसिड वन, और ये क्या हो गया, बेस टू, समझे क्या। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहां पे मैं तुम्हें अगर बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, अमोनिया प्लस एसिटिक एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, समझे क्या, ये तो तुम लोग जानते ही जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अमोनिया एक्ट्स एज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस CH3COH इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर दैन वॉटर, देयरफॉर अमोनिया जो है इट एक्ट्स एज अ वीकर बेस इन वॉटर, वाइल दिस अमोनिया एक्ट्स एज अ, वाइल दिस अमोनिया एक्ट्स एज अ वीकर बेस इन वॉटर, मतलब अल्फा ऑफ अमोनिया इन वॉटर कैसा रहता है, लेस देन वन रहता है, वाइल ये क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनिया एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्गर बेस इन CH3COH, मतलब अल्फा ऑफ अमोनिया इन CH3COH कैसा है, वन रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने दो एग्जांपल लिए जहां पे सॉल्वेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और
सॉल्वेंट विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस वाइल अ बेस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस इन अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्वेंट विच is a better proton donor. बात समझे क्या? I hope so. ये बात clear हुई होगी. ये बात एकदम अच्छे से clear हुई होगी. बात समझे क्या? Right. ठीक है. तो फिर हाँ, देखो next. Similarly, HCl acts as a stronger acid in ammonia, weak acid in acetic acid, neutral in benzene, and a weak base in HF नहीं होगा, HF को काटो, and a weak base in HF नहीं होगा, it will act as a weak base in HI लिख सकते हो, HF नहीं होगा, ठीक है, अभी मुझे ये चीज समझा रहा है, ये वाला पार्ट समझा रहा है, I hope ये जो लिखा है समझ आया होगा, HCl acts as a stronger acid in ammonia. Weak acid and acetic acid. क्या बताया था? Acid will be a stronger acid in a solvent which has a better proton accepting tendency. तो ammonia और acetic acid में proton accepting tendency तो किसका ज़्यादा? Ammonia का ज़्यादा है ना, because ammonia base है और acetic acid एक acid है, ठीक है? तो HCl will be a stronger acid in ammonia as compared to acetic acid. Will be neutral in benzene because benzene का नहीं proton देने का tendency, नहीं proton देने का tendency है. And a weak base in HI because HI is a stronger acid than HCl. समझेगा? जैसे मतलब कि अगर मैं तुमसे सवाल करूं, अगर मैं एक सवाल करूं तुमसे कि कंपेयर दो क्वेश्चन, कंपेयर एसिड स्ट्रेंथ ऑफ, चलो पहले यही लिख लेते हैं, HCl इन फॉलोइंग सॉल्वेंट्स इन सपोज करो अमोनिया, एसिटिक एसिड, अमोनिया, वाटर, एसिटिक एसिड, HI एंड HClO4 सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट्स ही है मैंने, ठीक है? तो क्योंकि हमें HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, मतलब सॉल्वेंट का बेसिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम लोग सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, तो अगर हम सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, तो ये सॉल्वेंट्स की हम बात कैसे करेंगे? सॉल्वेंट की बात करने जाएंगे तो क्या होगा? सॉल्वेंट्स का हमें पता क्या है? सॉल्वेंट का हमें बेसिक स्ट्रेंथ पता करना है ना, तो एसिड स्ट्रेंथ तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, HClO4, ठीक है, HI, राइट, देन उसके बाद H3O+, देन क्या, एसिटिक एसिड, फिर उसके बाद क्या वाटर, फिर क्या अमोनिया, ये है सॉल्वेंट का क्या ये सॉल्वेंट का है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? तो सॉल्वेंट का एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, सॉल्वेंट का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाएगा, सॉल्वेंट का बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा एसिड स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा? HClO4, समझे क्या? HI, H3O+, राइट, CH3COOH, राइट, H2O एंड देन अमोनिया, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, बिकॉज वी हैव टू टेल व्हाट वी हैव टू टेल कि HCl का स्ट्रेंथ एज एन एसिड इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का बेसिक नेचर होना चाहिए ना, तो सबसे अच्छा बेस कौन सा है? अमोनिया है ना, मतलब अमोनिया इज द बेस्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर, समझे क्या?
तो HCl इन अमोनिया, उसके बाद HCl इन अमोनिया, HCl इन मतलब ये क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया HCl इन अमोनिया, यस HCl इन एसिटिक एसिड वॉटर, राइट HCl इन एसिटिक एसिड राइट HCl इन एच आई एंड HCl इन HClO4। ये तो वाटर में तो HCl हमें पता है कैसा पूरा डिसोसिएट होता है, अल्फा इज इक्वल टू वन, और यहां पे भी HCl कैसा होगा, अमोनिया सबसे अच्छा है, अल्फा वन से तो एक्सीड कर नहीं सकता है। तो अमोनिया और वाटर में HCl का जो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी होगा कैसा होगा, बराबर होगा, समझे क्या। और उसके बाद HCl का जो टेंडेंसी है वो कैसा होता जाएगा, एसिड टेंडेंसी कैसा होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, वीक होता जाएगा, समझे क्या, राइट। तो HCl जो है अमोनिया और वाटर में, अमोनिया और वाटर में कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करेगा, राइट। HCl जो है CH3COH में कैसा बिहेव करेगा, HCl CH3COH में कैसा बिहेव करेगा, वीक एसिड तरह बिहेव करेगा, राइट। एंड HCl HI और HClO4 में कैसा बिहेव करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा, HCl इट विल बिहेव एज अ बेस इन HI एंड HClO4, बात समझे क्या, राइट। ये चीज है, अच्छा ठीक है। उसी तरह से अगर मैं एक एक ऐसे एग्जांपल और ले लूं, अरेंज अमोनिया इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन व्हाट, इन क्वेश्चन है ये, इन सपोज करो HCl एसिटिक एसिड एंड वॉटर, ठीक है। तो डेफिनेटली एसिटिक एसिड और HCl में अमोनिया विल एक्ट एज अ व्हाट, अमोनिया विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वॉटर में विल एक्ट एज अ वीक बेस, अभी समझ में आ गया होगा। एंड अगर मैं यहां पे लिख दूं, एक और लिख दूं मैं बेंजीन, तो बेंजीन का कोई टेंडेंसी नहीं होता, बेंजीन का प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं होता है। तो बेंजीन या CCl4 अगर मैं लिख दूं, बेंजीन लिख दूं या CCl4 लिख दूं, तो बेंजीन और CCl4 का प्रोटॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, तो अमोनिया बेंजीन या CCl4 का प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेंजीन या CCl4 में अमोनिया विल एक्ट एज व्हाट, अमोनिया विल एक्ट एज न्यूट्रल, ठीक है, राइट। तो वॉटर में अमोनिया इज अ वीक बेस, वॉटर में अमोनिया इज अ व्हाट, वीक बेस, राइट, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज है। अभी लास्ट पॉइंट क्या बचा है, लास्ट पॉइंट ये बचा है कि चलो ठीक है, आज के लेक्चर में ये भी खत्म करता हूं। अभी पॉइंट बचा है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, तो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, उसके बाद हमारा ये ब्रॉन्स्टेड ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग विद पीएच कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ पीएच, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट में ये पीएच कंसेप्ट में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वाले क्लास में। बस डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट पढ़ाना है मुझे, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया। अभी बाकी जो बचा है लुविस कंसेप्ट, अभी इसमें एसिड बेस में अगर तुम ध्यान से देखो, बाकी जितना कुछ भी बचा हुआ है, एक लुविस कंसेप्ट बचा हुआ है ये, ठीक है, ये लुविस कंसेप्ट बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां से हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस बचा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल ट्रेंड्स इन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें मैं आईओसी में पढ़ूंगा। मेटलर्जी के बाद मैं इसी को पढ़ाऊंगा, मगर वो आईओसी में पढ़ाऊंगा बिकॉज फिर ये आईओसी का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड एंड बेस में मैं बस आरएनएस और ब्रॉन्सेट पढ़ाता हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आईओसी का पार्ट है। ठीक है, सो ब्रॉन्सेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बचा क्या है हमारा, हमारा बचा है बस डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।